आज तक जवाब नहीं दिया हमने, गले में ऐसा कीट ठोका है ना कि आज तक जवाब ना दे पाए। और एक बात और बताए, जवाब तो सुन्नी देता है सारे तो। मीरा पर सवाल इनका है, फातिहा पर सवाल इनका, शरबत पर सवाल इनका, अल्लाह की कसम अब से अब से अब तक और अब से कयामत तक जितने सवाल हुए हैं और जो होंगे उन सब का जवाब बरेली देता रहेगा। चौथे आसमान वाली जन्नत के ऊपर जो जन्नत में भी पहुंचा रही है, कहां कहां पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचे, आज तक जवाब नहीं आया आज तक। और उसका पोता जो आज सहारनपुर से भोग रहा है, हुकूमत के तले चाट रहा है, जो भोग रहा है, उसका दादा मेरे दादा का नाम सुनता था तो लुंगी उठा के उठाता था। आज भी पता चल पता कर लिया, नूर मोहम्मद टांगड़ी था, उसने एक बात कही कौन से बैठे हुए थोड़ा शौक पैदा हो जाए आपका, ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको अकीदा पढ़ा रहा हूँ, जो रहे अगर वक्त मेरा हो जाएगा तो उर्दू बता दीजिए, है ना के साथ सुनिए। उसने कहा जिस लफ्ज के शुरू में रे होता बड़ा खतरनाक होता, खतरनाक मतलब समझते नुकसान भाई, अगर करंट खंबे में उतर आए छुओगे तो नुकसान होगा, खतरा है कि नहीं, क्रॉस बार के ऊपर पॉइंट से लिखा होता है सावधान, लिखा होता है ना सावधान, खतरा, खतरा मतलब खतरनाक, नुकसान देह है जान ले सकता है। अरे क्या कह रहे, जिस लफ्ज के शुरू में अड़के रे आता है खतरनाक होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, मतलब ये नुकसान होता है उससे। अब इसने मिसाल क्या दी, कैसे कहा कि क्या कहा, कहा जैसे राफजी, पहले टारगेट किया राफजी, अब फिर हम लोग का नंबर, और दूसरे जैसे रजा खान, कहा खानी यानी बरेली वाले, तो हमने कर रफा का नाम ले लिया, लेकिन तू भूल गया ना लायक खतीब मशी अल्लाह वा मुस्ताफ है हमसे रामी रहमतुल्लाह अलैह पर वाते जो बंदी बोलते हैं बोलते हैं मगर समझते क्या बात है, अकल ये ना है अब्बा मार के भगाए करे बेटे आज फटाफट अपनी बकवास होने के जिस लफ्ज के जिस लफ्ज के शुरू में रे आता बड़ा खतरनाक होता, तो हमारे दादा हुजूर मुफ्ती अय्यूब सरकांडी रहमतुल्लाह अलैह शेर पेशी अहले सुन्नत के नायब कहलाते हैं, भगवान ने कहा कि जिस लफ्ज के शुरू में रे आता है बड़ा खतरनाक होता है, सुनो रहमान में रे आया इसने रहमान को बुरा कहा, रहीम में रे आया इसने रहीम को बुरा कहा, रब में रे आया इसने परवरदिगार को बुरा कहा, और आगे बढ़ो रऊफ में रे आया
भूल गया, इसको पता नहीं था कि जिस थाली में खाता है इसने उसी थाली में छेद किया, रसी में भी ले आया, छोड़ा नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बाप को भी नहीं छोड़ा इतना नाफरमान रशीद अहमद, रशीद ने भी ले आया आप पहला मान। किसी ने उसे भी खतरनाक कर दिया, जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। आज किसी की भरपाई कर रहे थे मेरे चार चार के दादा को बराबर कर गए थे। हम बचाए अपने आप को तो चलने जाने कहने, तुमको जो करना है करो, तुमको मुबारक हो, हम बस यही कहेंगे करो मत आता है तो मदरसा। पर इस भला में मेरी भला मैं कहता हूँ अपने करीब का, मेरा तीन पा रहे हैं आज लाज सुना रहे हैं। आखिरी जुमला कहा, और हिंदू भाइयों तुम्हारे राम को भी नहीं छोड़ा इसने, नहीं समझे अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और सुन्नियों का दिल मचल नहीं लगता था। क्यों? आ गया हमारे ईमान का मुहाफिज, आ गया आला हजरत का वारिस, आ गया मुस्तफा की उलूम का वारिस। हमें बचाया है, इन्होंने हमारे ईमान को संवारा, गरीब नवाज ने हमें मुसलमान किया है, लेकिन लेकिन बचाया ईमान को किसने है? जोर से बोलो। बात आगे की साइंस की बात आगे की, तो बच्चे बीच में रह गई। तो जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है स्कूल में, और आज भी कोशिश है, मदरसों में भी दाखिल करने की कोशिशें की जा रही, उसमें भी दाखिल किया जाए, पढ़ाया जाता कि जमीन चलती है। अब यहाँ के गांव के लोगों ये बताओ, तकरीबन दो तीन चार घंटे से आप बैठो, एक इंच किसकी जमीन? और कुरान पाक से लिखा दलील बनाया और कहा जमीन चलती रही, अल्लाह ने जमीन पर पहाड़ों की कीले गाड़ दिए। जोर से बोलो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, 2015 में जलजला आया था यहाँ? आया था कि नहीं आया था? आया था, जमीन हिली थी ना, क्या हाल हुआ था? साइंस के बेवकूफ लोगों को बताओ, जमीन चलती नहीं, जब हिलती है तो जलजले आ जाते हैं, चलेगी तो क्या होगा बोलो। बात समझे कि नहीं? जमीन चलती नहीं, आला हजरत की पांच वक्त में बड़ी चिड़ाती है। आला हजरत ने तुम्हारा ईमान भी बचाया है, तुम्हारा दीन भी महफूज कर दिया। पढ़े लिखे लोग कहते हैं जमीन चलती नहीं। पूछा कैसे? अल्लाह ने जमीन पर पहाड़ों की कीले गाड़ दी है, यानी पहाड़ों के जरिए से अल्लाह ने जमीन को थाम दिया है, रोक दिया है, जमीन चलती नहीं है। और एक निशाना दिया जिसका नाम फौजुल मुबीन, दर हर 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 मेरा साइंस तो नहीं जानते हो, साइंस को रब बताता। सुभान अल्लाह,
हिंदुस्तान में क्या चैलेंज है पूरी दुनिया में साइंटिस्ट नहीं, चैलेंज है पूरी दुनिया में साइंटिस्ट नहीं, जिसे ये ना मालूम हो कि जमीन चलती है कि कमी है, वो साइंटिस्ट कैसे हो सकता है? बोलो तो आला हजरत कैसे नहीं जाने गए? खुदा की सब की कसम आला हजरत तकरीबन 150 से ज्यादा उलूम नॉलेज रखते थे, अलग अलग उलूम, अलग अलग इल्म, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कैटेगरी का इल्म जानते थे। हिंदुस्तान में आला हजरत की शायरी का भी जवाब नहीं। बात आ गई है, अभी साजिद रजा शमीनी साहब पढ़ रहे थे, उनकी वहां दिल के गुच्छे खिलाती है। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल है, नबी के सहाबी के सीने में क्या हो गया, थोड़ा हो गया, तवज्जो के साथ सुनिए, बात कर रहा हूँ, अभी कुछ बातें और मुझे करनी है, अगर वक्त ज्यादा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, अगली बार आकर कर लूंगा। अभी अब तवज्जो के साथ सुनिए, सहाबी के सीने में थोड़ा निकल आया, और थोड़ा निकलने के बाद वो नासूर बन गया और फूट गया, और जब फूट गया फूटने के बाद बहने लगा, फूटने के बाद जब से मवाद और पीप निकलने लगी, अब ईमानदारी के साथ बताओ आपको मवाद और पीप अच्छी लगती है? आप अपने ही किस्म के घोड़े का मवाद निकालते हैं, पीप निकालते हैं, अजीब से मुंह हो जाता है, अजीब तबीयत हो जाती है, अजीब से गिड़गिड़ाहट आ जाती है, बोलो आती की नहीं आती है ना? अब ईमानदारी के साथ यही पर मैंने आयत करीमा की तिलावत किया, इस पर भी गुफ्तगू होगी, और थोड़ा सा आला हजरत के शेर पर भी गुफ्तगू होगी, और फिर सरकार गरीब नवाज पर बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। अपने बच्चों के साथ सुनिए, सरकार आला हजरत का नाम क्यों है, वजह क्या है आला हजरत के नाम की इस कदर चर्चित होने की, वजह क्या है? तो बच्चों के साथ सुनिए, आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम सुनिए और इश्क में बचिए। बच्चों के साथ सुनिए, सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल के सीने में फोड़ा है, फोड़ा फूट गया, फूटने के बाद उनके फोड़े से मवाद और पीप बहने लगा, अब घर वालों ने देखा तो वो खीम करने लगे, पड़ोस वालों ने देखा तो खीम करने लगे, दोस्तों ने देखा वो खीम करने लगे, सारे के सारे लोग एक दूसरे से अपने आप को बचाने लगे, उनसे अपने आप को दूर करने लगे, दोस्त दूर हो गया, रिश्तेदार दूर हो गए, अहबाब दूर हो गए, हत्ता कि घर के लोग उनसे दूर हो गए, उनका बिस्तर अलग, उनका ईमानदारी के साथ अगर किसी शख्स के यहाँ कैंसर हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि जो है इसकी जरासीम, इसके जो कीटाणु जो है, इसका जो है इन्फेक्शन आपको लग सकता है, इसलिए इससे दूर रहो, अपना बर्तन, इसका बर्तन अलग कर दो, इसका बिस्तर अलग कर दो, इसकी खटिया अलग कर दो, इसका कमरा अलग कर दो, इसका गिलास अलग कर दो, इसका बिछौना अलग कर दो, सब कुछ अलग करवा दिया जाता है, कि अब वो अल करीब मरने वाला हो जाता है, इसलिए कि जब कोई अपनों से दूर होता है तो वो मरने के करीब हो जाता है। बच्चों के साथ सुनिएगा, अब यही हाल आशिक रसूल का है, सबने बेगाना कर दिया, सबने छोड़ दिया, सबने तवज्जो हटा दी अपनी, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है, वो सहाबी रसूल की धीरे धीरे सोचने लगे, लाओ मैं अपनी जान दे दूं, लाओ मैं अपने आप को हलाक कर लूं, लाओ मैं अपने आप को फांसी के तख्ते पर लटका दूं, ताकि इस जिंदगी से, इस बेकार जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, इस फोड़े से बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद हजरत आला हजरत से मोहब्बत करने वालों के साथ सुनिए, आशिक रसूल सहाबी रसूल की शादी हो गई, सालों गुजर गए, सालों जब गुजर गए तो आपकी बीवी यानी सहाबी की बीवी ने एक दिन आपका कमीज लिया और धुलने के लिए रखा, धुलने लगी तो धुलते धुलते उसने से खुशबू छूटने लगी, अगर मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, बात आगे बढ़ा दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अरे भैया अगर आपका फायदा है तो बोलो सुभान अल्लाह, खुशबू फूटती जा रही
फुटती जा रही। अचानक शरीर में ख्याल आया, आज तक सालों गुजर गए, अपने अपने शौक अपने शौक कहती है वो सहाबी की शरीर की तकवा फरमाती है कि मैंने अपने शौहर को कभी खुशबू लगाते नहीं देखा, कभी इत्र लगाते नहीं देखा, कभी सेंट लगाते नहीं देखा, उसको अच्छा लगाते नहीं देखा, मेरा चमेली की खुशबू यूज करते हुए नहीं देखा, ये खुशबू आज देखे रही है इस कपड़े से, आखिर वजह क्या है? उनके दिमाग पर सवाल करता है, अपने शौहर से सवाल करती है और मेरे शौहर इनामदार ये बताइए, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, शौहर फरमाते सहाबी फरमाते हैं पूछो मेरी शरीक के बाद क्या पूछना चाहती हो, सहाबी ने फरमाया बोलो क्या चाहती हो, सहाबी आपकी बीवी हंस करने लगी और मैं पूछना ये चाहती हूँ कि आपको मैंने कभी खुशबू लगाते नहीं देखा, परफ्यूम लगाते नहीं देखा, इत्र लगाते नहीं देखा, मुझको अच्छा लगाते नहीं देखा, तो ये खुशबू आपके कपड़े से आती कहाँ से है? अब कमाल तो ये है कि जितना धुलती उतना ही खुशबू निकलती है, जितना धुलती उतना ही खुशबू निकलती है, जो जो धुलती जाती हो वो तो खुशबू धुलती जाती है, राज क्या है? सहाबी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, सहाबी की बीवी हंस करने लगती है, मेरे सरदार से मैंने अपना दिल को नहीं दुखाया है, सहाबी फरमाते नहीं नहीं मुझे अपना गुजरा हुआ कल याद आ गया, अब क्या हुआ था पता है जरा, तो बात सुनना चाहती हो तो सुनो, ये मेरे पास मेरे साथ पेश आया था, एक दिन मेरे साथ ऐसा सा हादसा हुआ, सबों ने मुझे छोड़ दिया, जब मैं अपनी जिंदगी से आजीज आ गया तो मैंने सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन खुदकुशी नहीं किया इसलिए कि नबी का फरमान निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा था, आका अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं और मिल्लत के नौजवानों सुनो, ईमानदार हो जाएगा परेली वाले का, शेर सुनोगे तो मचल जाओगे, अक्सर अक्सर बच्चों के साथ सुनिएगा, हजरत गरामी सहाबी फरमाते हैं मैंने 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 सब कुछ छोड़ दिया था, पकड़ लिया था, मेरा मर्ज पूर्ण नहीं हो रहा था, मेरा सर पड़ता जा रहा था, मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी, मैं मजबूर होता जा रहा था, मैं अमीर होता जा रहा था, मैं नातवा होता जा रहा था, मैं ठीक होता जा रहा था, मैं कमजोर होता जा रहा था, नबी के आशी के साथ फरमाते अपनी बीवी से, ओ मेरी शरीक करने के बाद जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो आप चलिए बढ़ गए चटपटी तकलीफ करने लगू क्या, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, दुनिया ने ठोकर मार दी, उसे मुस्तफा करे लगा रहे हैं, जिसे दुनिया ने अकेला कर दिया, उसे मुस्तफा
सहाबी करीब हो गए नबी के कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बोलो सहाबी मैं तुम्हें देख रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो कोई किसी को भेजा नहीं कोई काफी नहीं भेजा कोई फरियाद नहीं की क्या बात है वो सहाबी बोल ही रहे हैं आका फरमाते बोलो न प्यारे क्या बात है वो सहाबी बोल ही रहे हैं नबी फरमाते बोलो न प्यारे क्या बात है वो सहाबी बोलते नहीं क्यों भाई फरमाते बोलते क्या नहीं सहाबी की आंखें रोने लगती है आंखें बरस पड़ती है गोया सहाबी अपने आका की बारगाह में अपने आंसुओं के जरिए गुफ्तगू कर रहे हैं आका की बारगाह में अपने आंसुओं के जरिए फरियाद कर रहे हैं ए मेरे आका देख ले आपके गुलाम का क्या हाल है देख ले आपके गुलाम का क्या हाल है नबी फरमाते क्या बात है आका के सहाबी ने अपने सीने से चादर हटाई तो क्या देखा नबी ने अल्लाह हु अकबर कबीरा मेरे सहाबी का पूरा सीना जख्मी है जख्म आरूर आसूर बना हुआ है और उससे बदबू आ रही है बदबू तवज्जो के साथ सुनिएगा बदबू आ रही है बदबू उससे बू आ रही है अल्लाह हु अकबर कबीरा तवज्जो के साथ सुनिएगा नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मेरे सहाबी पहले आ जाता पहले नबी कुछ नहीं देते उनका नबी होगा कोई ये वाला इसलिए नहीं देता हमारा नबी तो वो है बचपन में ताई हलीमा की गोद में उंगली का इशारा चांद ढूंढने लगता इशारा करता मकाम साहबा में रुक कर वापस आ जाता इशारा करता सिर्फ आंखों से इशारा करता अबू जहल की मुट्ठी में बेजान लगकर बोलने लगा सुभान अल्लाह ऐसा नबी वाली को मुख्तार नबी जो जिंदा ना हो उसे जिंदा करके बोलने पर मजबूर करते हैं नबी के अब्दुल्ला हमारा अब तो बच्चों के साथ नबी भी यकीना दे रहे हैं नबी फरमाते सहाबी पहले आ जाते मैं तुम्हारा ऐलान कर देता बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद आ जाएंगे हम पानी दूर हो जाएगी परेशानी पहले आ जाते तो नहीं एक बात और याद आई कुरान में अल्लाह फरमाता है क्या फरमाता है अलियुम नक्तिम अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानु यक्सिबून सही पढ़ रहा हूँ आयत है कि नहीं सूरह यासीन शरीफ में आए कि नहीं बोलो इरफान साहब की जुबान अफगानी जुबान बंद ताहिर मियां जुबान बंद सदाकत मियां जुबान बंद साजिद मियां जुबान बंद प्रधान की जुबान बंद मुखिया जी नेतागिरी कर रहे थे जुबान बंद एमएलए जी पढ़ी नेतागिरी यानी की जुबान बंद दरोगा जी पढ़ी की नेतागिरी कर रहे थे जुबान बंद एसओ साहब जुबान बंद कमिश्नर साहब जुबान बंद डीएम साहब जुबान बंद सारी दादागिरी थाने तक की यहाँ दिखाओ वकील साहब बाप का दबा कर रहे थे झूठ को सूझ झूठ को सच सच को झूठ बता रहे थे जुबान बंद प्रधानमंत्री तेरे बाप की भी औकात नहीं जुबान खोल सकोगे सीएम मुफ्ती साहब जुबान बंद मुल्ला साहब जुबान बंद अल्लामा साहब जुबान बंद सब की जुबान बंद अब क्या होगा सफाई कैसे दोगे अल्लाह गलती हो गई कैसे तो
वाले हाथ पर लिमुनाई की हाथ बोलेंगे, ये दोनों हाथ बोलेंगे मौला इसी हाथ से अपने बाप को मारा था, ये मौला इसी हाथ से इसने ताज के पत्ते फेंटे थे, ये मौला इसी हाथ से इसने गालियां देकर ढेला उठाकर किसी को मारा था, ये मौला इसी हाथ से इसने चोरी की थी, ये मौला इसी हाथ से इसने बाप के बाप की ताली पकड़ कर सताया था, ये मौला इसी हाथ से इसने मां की चोटी पकड़ कर अपनी मां को तकलीफ की थी, इसी हाथ ये हाथ सलाम करेगा तो भाई से कब क्या होगा, क्या होगा बताओ। अब पैरों बोली है रिया पैरवा यो बोली ये ला चोरी करे रतिया में यही पैरों से गवा रहा उसे बोलो ये धनी की रैली में यही पैसे गवा रहा और निराशनी में नहीं गवा रहा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ बहुत सारे लोग उधर भागे भागे घूम रहे हैं, तो पैरवा चाहिए कि भागे भागे रहे ऐसे की ऊंचाइया शुरू है सुभान अल्लाह वही ना दिलो दिमाग में जो भी फितूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है, मरीज कैसा भी हो मरज कुछ भी हो मदीना जाके कोई दूर होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चोरी तो की थी गुनाह तो किया था तमाम खुराफात तो किए थे लेकिन मौला यही हाथ तेरे नबी के नाम पर उठाया था। अल्लाह जब अपने महबूब के काफिलों से बातें सुनेगा तब तो फाती के बारे सुनेगा फरमाएगा फरिश्तों तबाह हो जाओ जिसने तेरे महबूब के नाम का चर्चा बनाया। हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहा तेरे महबूब की तारीफ की मैंने उस रब की मगफिरत सुभान अल्लाह फायदा है कि नहीं। जब तक सबनिया पूरी है तब तक बोलो 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 आपसे थोड़ा सा आपकी भाषा में अपनी लैंग्वेज में बात करूँ ताकि आपका मूड बना रहे मैं लाता नहीं हूँ आपकी मत बड़ी शरीफ जबान है आपकी बहुत साफ सुथरी जबान तुम्हारी अल्लाह का शुक्र है और ये आज साबियत करते हैं रसूल अल्लाह। ये वो दरगाह अपनी दरगाह जहां बगैर बोले अदा किया जाता है बगैर बोले अदा किया जाता है। सीना खोल दिया नबी आगे बढ़े अब सारी मरी आप बताओ बने कितने से आदमी हैं दूसरा का बोलता नहीं करीब ना जाए जरा कोरोना देखे ना कैसे बेटा अम्मा के करीब ले जा बोलो अब दीदी का कोरोना को पकड़ लेता मार मार पकड़ ले और अम्मा अपने 9 महीना अपने पेट में रख के पाली तो की वो अपने भाई को मेरा भी सगरी बाप बात पूछो मैं कोरोना भगा की तब मार भी मार सबर में जाएगा साहब करो कीजिए उनका चर्चा सुबह शाम कीजिए उनका चर्चा सुबह शाम जाने दुश्मन पर कयामत कीजिए समझे कि नहीं क्या कीजिए कयामत हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के दूर हम उस दिन मनाएंगे चलो
चादर भी चढ़ाएंगे, चलो मेला भी लगाएंगे, चलो बाजू की तरफ जा रहे जिस कंडीशन में भाई को भाई नहीं पसंद करता, जिस कंडीशन में भाई को बहन नहीं पसंद करती, जिस कंडीशन में माँ बाप भी दूर हो जाते, हम तुझे मोहब्बत करी थे, हमारे मोहब्बत करे लिए है, लेकिन थोड़ा सा बचे रहो, तुम बचे रहो, मुंह बचे नहीं, ताकि को रोना धोखा पकड़े है और तू देखना लेकिन कुर्बान जाइए नबी के अखलाक के करीब आना। अल्लाह अकबर कबीरा, जहां सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, प्यारे नबी वहीं से अपना साथ शुरू कर देते हैं। नबी ने करीब बुलाया और सहाबी के सीने पर हाथ रख दिया, सहाबी के सीने पर जहां जख्म है, जहां जख्म है अल्लाह अकबर कबीरा, नबी के कोने में अपना दस्त नबूवत रखा और फरमाया मेरा जानिसार सहाबी धक्का पड़ा, दर्द वहां है। इसके बाद आ करिए कोई बात नहीं, मुकद्दर होना चाहिए, हम भी निकाल टाइम टाइम है कि नहीं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। जावेद सिद्दीकी को जावेद सिद्दीकी की बुनियाद पर ना चाहो, जावेद सिद्दीकी को मदीने वाले आशिक की बुनियाद पर चाहो। नबी ने हाथ रखा, कहा मेरे आशिक बता कहाँ दर्द है, आशिक रसूल कह रहा है मुस्कुराकर या रसूल अल्लाह प्रभु तो पता ही चल, नबी फरमाते पता पता कहाँ दर्द है, नबी हाथ फेर रहे सीने पर, सख्त नासूर खत्म, दर्द खत्म, मरस खत्म, बला खत्म, मुसीबत दूर, परेशानी दूर, तब अलग से छुटकारा मिल गया। नबी ने हाथ रखा था, पूछा पता दर्द है कि नहीं, परेशानी गायब है, सहाबी से नबी फरमाते जा तेरी परेशानी दूर, सुभान अल्लाह, उनके भंगियों का कोई और लटा खानी फटा खानी होगा तो देता नहीं है, हमारा तो ऐसा देता है कि बरेली वाले पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने वाला चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे निसाल, मैं आप लोगों का शौक देख रहा था कि आप लोग सुनते कैसे, समझ में आ गया, हम जैसे सुनाएंगे आप लोग वैसे सुन लेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं, जब भी आ जाएंगे आप लोगों में सहाबी के सीने पर नबी ने अपना हाथ रखा था, दिल मुबन और हाथ एक है, इसी हाथ से चांद के टुकड़े हो रहे हैं, इसी हाथ से सूरज बुलाया जा रहा है, इसी हाथ के जरिए से कतादा की आंखें ठीक करी जा रही है, इसी हाथ के जरिए से सहाबी के सीने का जख्म दूर हो, हाथ काम कई है, जिसके काम कई हो उसी को नबी कहते हैं, आप
वो सहाबी चले जिस गली से चल रहे वो गली का एक जिस मोहल्ले से चल रहे वो मोहल्ला भाग रहा है जिस कूचे से चल रहे वो कूचा भाग रहा है जिस शहर से चल रहे वो शहर भाग रहा है। नबी के सहाबी अपनी बीवी से फरमाते हैं ए मेरी शरीके तैयबा आज तक मैंने कोई खुशबू ना लगाई और जो खुशबू किस कपड़े से निकल रही है ये मुतबा के तख्ते अक्दस का सदका है तो मेरा जिस खुशबू था मैं जिस चीज को छू लेता हूँ वो खुशबू पाक हो जाती है। अब बरेली वाले पुकार कर कहते हैं उनकी मांग ने दिल के बच्चे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं। कितना ऑपरेशन हुआ है कितना पोस्टमार्टम हुआ है अरे पोस्टमार्टम लगे हाथों आखिरी बात करें खत्म किया जाए अरे तो बैठे बस एक बात हो हम बोलने को 5-5 घंटा अपनी पुष्टि में लगा लो टाइम ऑफ आखिरी बार सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। 4 घंटा बोलने के बाद भी आवाज टनाटन रहती है इसलिए कि खुशी आदम के मुर्दे से रिश्ता है खुशी आदम के मुर्दे से रिश्ता है। सुनना चाहते हैं कि मरस भी दूर करे पर्यावरण भी दूर करे गरीबी भी दूर करे मेरे करीम से सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। आप ही है सिलाह दीजिए और जन्नत यहाँ दार है। सुनते चलिए फिर इंशाल्लाह दूसरे शायर साहब आएंगे फिर सदीप साहब आएंगे फिर आप यही खाना यही लंगर चला है यही खाना यही कारोबार चला है यही सभी कर दे जिक्र दे जिक्र दे जिक्र दे जिक्र खुदा की कसम नबी के जिक्र करते करते अल्लाह के फनी बन जाते हैं लोग सनी बन जाते हैं लोग बड़े बड़े के और पति मैंने शेर खाना मकसद में सुनना की बार का दिखा दो शक्ल नूरानी मेरे मकसद में सुनना नहीं है पिला दो जामे रफानी मेरे मकसद में सुनना नहीं। फिर आशिकों के लिए कहा था न कर पाएगा हरगिज सामना तेरे फकीरों का उसे बोलिए हम तो खाजा के फकीर इस बारे में आए कि नहीं वो तो खाजा राजा मकसद में सुनना सैयद सालार मकसद काफी आला तो फकीर है। न कर पाएगा हरगिज सामना तेरे फकीरों का कमाले जितना अंबानी मेरे मकसद में सुनना कमाले जितना कमाना है
लेकिन तेरे गुलामों का मुकाबला नहीं कर सकता। सरकार आप लोगों ने हल्के में मिसरे ये भी कमाल है यार। नबी फरमाते हैं सहाबा ये बताओ किसका ईमान है, किसका ईमान यार जी अल्लाह फरिश्तों का कालो तो अल्लाह की तरह की हर वक्त रियाज करते हैं, उनका ईमान हैरत में डालने वाला थोड़ी ना है। तो कहा यार अल्लाह फिर हम लोगों का या नबियों का किताब नहीं किताब नहीं, ये भी अल्लाह के करीब है, भी रसूलुल्लाह के करीब हो, भी तुम्हारा ईमान ईमान हम फिर अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। नबी मुस्कुरा कर फरमाते आज के पास मेरे विसाल के बाद जो लोग मुझे नहीं देखेंगे मगर मेरे नाम पर मचलेंगे वही ईमान वालों का ईमान हैरत में डाल देने वाले। नबी को देखा है, जोर से बोलो देखा है, सहाबी से सहाबी सहाबी से नहीं समझ में आता। देख ले मेरे नबी का जलवा, चाहता देखता जलवा करके उसका हो सुहा सुहा करते हैं तलवा चटवाते हैं, सुन्नी तलवा चाटते नहीं है। कुछ लोग चाट रहे हैं गरीब नवाज आज से 800 साल पहले मोइनुद्दीन अभी मेरी खुद नहीं था।
फिर से अपने खलाओं को काम बन जा सकते भी तो क्या होगा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जो रहे और सब जानते हैं, सब मानते हैं, वो भी मानते हैं, जो लोग कहीं और जाते हैं वहाँ पर देखते हैं, लेकिन वो भी गरीब नवाज को मानते हैं। अगर कोई गरीब नवाज को मुझा भला करे तो राजस्थान के अंदर कई लोग पटक के मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, है ना, जानते हैं। मैंने देखा है एक दो लोग बकवास किए थे, वो डबल दर्जन वाले थे, दो दर्जन वाले मुंह भरता कर दिया गया, चटनी बना दिया, इतना हालत खराब हो गई। हमने कहा आ जा तेरी शान ले ला ली, थमाया भी तो दूसरे से, निकल जा। अरे लकड़ी बेजान की लकड़ी को समझ में आ गया। बेजान में समझ भी आ गई, दिमाग भी आ गया, अकल भी आ गई, चांद भी पैदा हो गई और उन्होंने की ताकत। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो से आदम को ताकत रहने दो, हाय हाय हाय। तो से आदम की ताकत का आलम ये खुतबा दे रहे हैं, जयपाल के ऊपर खड़ों नीचे से अब चली है, पता नहीं कितनी हजार की स्पीड में चल रही थी, और जयपाल और खड़ों के सामने वालों, अब देखे खाजा का पावर।